हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू फिल्मी बैटरी। दोस्तों, डंकी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आया हूं और कहना चाहूंगा कि थर्सडे है, वर्किंग डे होता है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा क्राउड है मूवी देखने के लिए। और फर्स्ट हाफ में मूवी का देख चुका हूं और क्विक रिव्यू आपसे शेयर करूंगा। मूवी जो है बहुत गजब की लग रही है फर्स्ट हाफ में। स्पेशली मैं जो पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा फर्स्ट हाफ को, देना चाहूँगा विकी कौशल को। जिस तरीके से उनकी एक्टिंग रही है, जो उनने परफॉर्मेंस दी है, जो इमोशंस उनने दिखाए हैं, लिमिटेड रोल है उनका, पर जिस तरीके से उनने अपना रोल प्ले किया है वो काबिले तारीफ है। शाहरुख खान की भी एक्टिंग नो डाउट बहुत अच्छी है और एक टिपिकल राजू हिरानी फिल्म लग रही है, जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी। इमोशंस भी बहुत ज़्यादा है, सोचना भी पड़ता है कुछ कुछ सीन्स देख के, और एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन चल रही है। नो डाउट मूवी थोड़ा कहीं पे स्लो होती है, थोड़ा सा बोर होती है, बट अगेन मूवी जो है पेस पकड़ लेती है और बहुत बहुत कमाल की लग रही है। दोस्तों, मूवी जो है एक बैकग्राउंड के साथ शुरू होती है। तापसी पन्नू इंग्लैंड में ऑलरेडी है और कैसे फिर वो शाहरुख से, जो कि हार्डी है मूवी में, मदद मांग रही है उनको इंडिया वापस आने के लिए, तो इस तरीके से कुछ मूवी शुरू होती है और कैसे सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, शाहरुख का क्या रोल है डंकी मारने में, जो अपने फ्रेंड्स की वो मदद करते हैं, ये सब मूवी में दिखाया गया है। तो फर्स्ट हाफ नो डाउट अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, हंसाता रुलाता है, एक कॉमिक फन ड्रामा फिल्म लग रही है। तो ये फर्स्ट हाफ का रिव्यू है आपके लिए, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है और मैं फर्स्ट हाफ तक का जो रिव्यू है 3 out of 5 दूंगा। फुल रिव्यू जो मूवी का है वो जल्द आपसे शेयर करूंगा आफ्टर आई कंप्लीटेड वॉचिंग। तो वीडियो पसंद आया हो और अगर आप सोच रहे हैं कि डंकी की टिकट आपने बुक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप जा सकते हैं, मूवी अच्छी लग रही है। दिस इज़ दीप साइनिंग ऑफ, बाय बाय।